अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आप सबके मुनज़िर बाशिर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं जा रही हूं अपने हेयर मेकओवर के लिए। तो आप लोग देख सकते हो बहुत मेरे बाल डैमेज हो गए थे। एक्चुअली मैंने अपनी शादी के टाइम पे मतलब कुछ तो करवाया था, उस वजह से मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए। मतलब मेरे बाल लिटरली इतने कम हो गए हैं पहले से कंपेरिजन, मतलब पहले के कंपेयर करे जाए तो मेरे बाल बहुत कम हो गए और बहुत ऐसे अजीब से हो गए और कलर भी उतर गया है। तो मैं अब जा रही हूँ अपने हेयर मेकओवर के लिए। सो अभी पहले तो मैं जा रही हूँ शेजान को पिक करने के लिए, मतलब हम वहीं से निकलेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो आप लोग अभी देखो कैसा होता है मेरा प्रोसीजर। सो गाइस, शेजान को पिक कर लिया है और अब हम निकल पड़े हैं। हम एक्चुअली जा रहे हैं टाउन और ऐसी टाइमिंग पे मून, मतलब ऑटो पहुंची और ओला भी मैंने बुक किया था एकदम एग्जैक्ट दोनों टाइमिंग। भाई नहीं तो बेचारी धूप में खड़े रहना पड़ता, मेरा पूरा मेकअप पिघल जाता। यस, ये इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी, मेकअप पिघल जाता। भूखे प्यासे निकल चुके, ना खाना खाए ना कुछ, बस निकल गए। एग्जैक्टली, तो अभी रास्ते में देखते हैं क्या खाना पीना है, खा सकते देख सकते। चलो चलो, क्योंकि मैं तो डाइट पे होना तो मैं सिर्फ दिन का खा सकती हूँ। मुझे तो दिन रात चाहिए कुछ ना कुछ खाना पीना। चलो अभी चलते। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम लोग अभी। तो भूख तो ऐसी जोरों शोरों में लगी है, तो मून ने थोड़ा वक्त ली 10-15 मिनट कि हम लोग कुछ खा के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले कोई आजू बाजू में कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे वेज है, थोड़ा नॉनवेज खाने का दिल हो रहा है। तो लेट्स सी क्या मिलती है, थोड़ा आसपास वाले लोगों से या गूगल करके देख लेंगे कि नियर बाय में कौन सी अच्छी रेस्टोरेंट है। बेहोश नहीं हो जाए, बेहोश नहीं हो जाए भूख के मारे। हाँ मतलब जबरदस्त भूख लगी है। सर अभी कहाँ है? नायर हॉस्पिटल है, इतना बड़ा सामने दिख रहा है और बहुत ही फेमस है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं लेके जाए हमें ना किसी को। या अल्लाह, हम लोग इतना ढूंढे चले लेकिन कोई रेस्टोरेंट नजर तो नहीं आ रहा था। वेज था और वेज खाने का मन नहीं हो रहा था, इतनी भूख लगे और वेज मिले तो मज़ा नहीं आया। तो हम लोग वापस कैब में बैठ गए और क्या बोल के बैठे, कैब में बोलता है ना इंसान के हम लोग को ये एरिया वो एरिया। हमने इनको बोला है हमें कोई अच्छी होटल में लेके चलो। चलो देखते हैं अभी क्या। यस यस, सो इतना ढूंढने के बाद हमें वेज रेस्टोरेंट ही मिला, प्योर वेज। तो हम दोनों को इतनी भूख लगी कि हमने बोला ठीक है हम वेज ही खाएंगे, शेजान को पाव भाजी खानी है, मैं देखती हूँ मुझे क्या खाना है। हाँ शेजी, नॉन वेज नहीं, चलो क्या। हाँ शेजान बैठने में भी चूजी है। कहीं जहाँ पे भी तुम बोलो। बहुत हालत खराब हो गई शेजी। सो शेजी की तो पाव भाजी आ गई है, शेजी वेरी बैड है। तो आप भी खा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं तो मंगाया डाइट पे होना चाहिए। अच्छा हाँ, तो उसमें बटर वगैरह नहीं खा सकते? नहीं ना, पाव भी नहीं। चलो ठीक है, अभी मैं मेरे दाल पनीर का वेट करती हूँ। आई मीन पालक पनीर, सॉरी। साइड साइड में से भी नहीं खा सकते? नहीं, खाओ ना तुम, खाओ। जलन हो रही है। वाह वाह वाह, खाओ। चलो हुआ। सो मेरा खाना आ गया। सिर्फ यही खा रहे हैं ना, वो कैंसिल कर दो ना। जस्ट किडिंग, पनीर कैंसिल कर दो ना। मजाक था, मत जोक। मेरा खाना ही नहीं आ रहा शेजान की पाव भाजी फिनिश होने आ गई, एक्स्ट्रा पाव भी आ गया, लेकिन मेरा खाना नहीं आ रहा। एक साथ लेके आते हैं, अलग अलग लेके आ गया। ये भी मैं वेट करता तो ये महंगा। सही बात है, लेकिन उसमें से भी शेजान ने मुझे 2-3 बाइट दे दिए। अरे मेरे ब्लॉग में पैर की वहाँ पे
पैर पैर खाओ मजे लो जेजी। सो मेरा खाना आ चुका है, पालक पनीर। अब मैं बिना टाइम वेस्ट के खा लेती हूँ। हाँ चेहरे पे देखो कली खिल गई, खाना आया तो कब से बैठे हो शैजान का खाना खत्म हो गया पूरा। मेरा टेबल खाली हो गया। क्यों? अरे इतनी सी तो राइज है। अच्छा कैमरा चालू है इसलिए। ओके ठीक है, कैमरे के बाद दूसरा एक और ये प्लेट ऑर्डर होगी। पनीर पनीर पे ही पनीर डाला हुआ है ग्रेट करके। खाना चाहूंगी। सो गाइस अभी हमारा खाना भी हो चुका है और हम जा रहे हैं, फाइनली पहुंच चुके वो जगह पे। मैंने आज तक सुना था मेकओवर मतलब टेस्ट का ही होता है। आज पहली बार इसने बोली तो बालों का मेकओवर है। अच्छा बोलने में बहुत वो हो रहा है, बालों का मेकओवर होता है। तुमसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ शायद, अगर तुम अंधे होते तो नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन मैं वो बता रही हूँ, तो तुमको अगर खाना मांगना हो तो तुम कैसे मांगोगे? खाना मांगना है और पानी पीना है तो किसी को बुलाना हो तो अंधा हो ना उसे तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन तुम अंधे बन के घूमेगा काम। देखा हमारे को हंसाया, तुम्हारा 1 किलो बड़ा होगा। या अल्लाह मत नहीं, मत हंसो, ऐसा मत हंसाओ। चलो अभी ऊपर चलते। दरबार विद अस। सो सो हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। नाउ शी इज गोइंग टू गिव सम लाइक फ्यू टिप्स अबाउट माय हेयर, जो भी हुआ है एंड व्हाट इज गुड थोड़ा बहुत केमिकल रहता है तो अभी आप इनसे ही सुनिए क्या बोल रहे। सो व्हाट वी डू इज एक्चुअली स्मूथनिंग तो बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज स्मूथनिंग इज पूरा केमिकल। पहले तो क्या होता था, ओनली स्मूथनिंग ही अवेलेबल होता था, राइट? नाउ वी हैव एडवांस ट्रीटमेंट्स लाइक केराटिन है। केराटिन में भी थोड़ा सा केमिकल रहता है, लिटिल फॉर्मल्डिहाइड एंड लिटिल कार्सिनोजेनिक एसिड, बट ठीक है उससे भी अच्छा अभी एडवांस इज क्यूओडी है, बोटॉक्स, दीज आर ऑल मोर एडवांस। बट यस ऑफ कोर्स द पीरियड ऑफ टाइम दैट इट स्टेज इन द हेयर इज जस्ट लाइक इट स्टेज फॉर 4 मंथ्स या 6 मंथ्स तक, बट ठीक है ना, एटलीस्ट आपके बाल बचेंगे, आपके बाल गिरेंगे नहीं। क्लाइंट का सोचता है कि अरे हाँ हम साल में एक बार स्मूथनिंग कराएंगे तो हम फ्री हो गए, फिर पूरा साल हमारे पे स्मूथनिंग अच्छे से हो गया एंड देन हम फ्री हो गए। बट स्मूथनिंग इज अ वेरी हार्श केमिकल गाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी कांट डू इट, वी कांट रियली। पॉइंट नंबर वन, नो स्मूथनिंग, नो स्मूथनिंग। ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट्स लाइक आई मीन ट्रीटमेंट्स लाइक हेयर बोटॉक्स, सिस्टीन, क्यूओडी, केराटिन ऑल्सो चलता है, ठीक है। बट नाउ फॉर मंजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक हर फॉर अ कलर मेकओवर, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हेयर बोटॉक्स और क्यूओडी इज दैट यू कैन डू हेयर बोटॉक्स एंड कलर ऑन द सेम डे, बिकॉज हेयर बोटॉक्स इज एब्सोल्यूटली नॉन केमिकल, इट्स मोर ऑफ हेयर हेल्थ, हेयर रिपेयर, हेयर प्लम्पिंग, इट मेक्स योर हेयर फैबुलस, फैबुलस। लेट्स सी। Yes, inshallah. Hoping for the best. Yes, inshallah. Inshallah, in the best of hands. Thank you.
done. So now we are using the clarifying shampoo to start the Botox procedure. Like the clarifying shampoo will remove all the impurities, all the color, all the oiliness from the hair. It will make your hair porous so that my hair Botox product, it will go deep inside, okay? And the hair Botox product is an oil-based product basically. That's why it doesn't have any chemicals. It will nourish her hair, make her hair super, super soft and super fabulous, yeah. So, and now after this shampoo, we'll keep the shampoo for 10 minutes. Then we'll take her on that chair, apply the hair Botox product, keep that product for 45 minutes. After that, we will blow dry on the product, iron on the product. The procedure is very much similar like cysteine and keratin, but the product is fabulous. This product is to die for, yeah. Yeah, the product I'm is your guys. Don't take me bad. And now stay tuned for Manzareen's makeover. Stay tuned. Fiber filler. Satisfied. Okay, now four sections again. I'll get the products for you. So now we are going to go with the Botox. Yeah, now we'll start the Botox. Now this chocolate shade has come. Now with the Botox, this will go one or two shades more lighter, okay? Okay. Because of the heat. I can that... switch on this light. Yeah, you yeah, want me to? You can switch on this light. So then... You can capture her color from here. If you want to look down. Wow, you're already looking so pretty. Thank Imagine you. After the Botox. No, but it's really nice. Thank nice. You, thank you, thank you so much. Okay, I'll just get your products, okay? Yeah. Guys, finally I'm done. आप लोग देख सकते हो मेरा कलर. मैं एक ही चीज बोलूंगी, वाओ, अमेजिंग, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज से ज्यादा हो गया. थैंक यू सो मच. ऑनेस्टली मतलब ऐसे इसलिए नहीं कि आई हैव कम हियर ऐसा कुछ है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आई कैन से मैं इतने सैलून्स में जा चुकी हूँ ना, मतलब नहीं मुझे वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बट दिस कलर इज अमेजिंग. जो मुझे चाहिए था वही हुआ है. थैंक यू सो मच. एंड आई एम सो हैप्पी दैट मंजरीन दरबार ट्रस्टेड मी. शी वांटेड लाइक अ नाइस चॉकलेट मेल्टेड बालियाज लुक एंड शी ऑलरेडी हैड अ लिटिल बिट ऑफ कलर इन हर ओल्ड कलर. So we gave her a graduated nice chocolate global and we've done hair Botox for her hair health.
her hair is going to be washed tomorrow and they are going to be like shiny, fabulous, lustrous hair health. And I'm so happy I gave her what she wanted. I'm also very happy, very happy and very satisfied. See you all soon, guys. Whoever's watching her vlog, see you all at Humaira's premium studio very soon. Love you all as always. Mwah. And guys, trust me, you should try it once at least. Thank you. Thank you so much. So guys, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Also hit the bell icon and follow me on Instagram, Munzirin Darbar Sheikh. And yes. your Instagram ID. My Instagram ID. It's Humaira_Patkar_. So she'll be tagging me as well. So yes guys, follow me as well. Follow our cameraman also, Shehzad. Chaliye, Allah Hafiz. Allah Hafiz.